जैसे कि आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, मेरे पास कैसॉन का CS6 एक्शन कैमरा आ चुका है जो कि मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया था। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट कैमरा है जो कि मैंने जस्ट अभी मंगाया, जो आज मेरे को रिसीव हुआ है अमेजोन से। इसको अनबॉक्स करते हैं। ये आप देख सकते हो, कैमरा कुछ इस तरीके का पैकिंग में आता है जो कि वाटरप्रूफ केसिंग के साथ आता है। ये आप देख सकते हो, इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया लग रहा है, काफी लाइट वेट भी और काफी प्रीमियम भी लग रहा है। बाकी इस रेंज में आप देख सकते हो कि कैमरे के साथ इतनी सारी एक्सेसरीज कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि काफी बढ़िया बात है। बाकी कैमरे की अगर मेन बात कहें तो इस कैमरे के अंदर काफी अच्छे फीचर्स है, जैसे कि इमेज स्टेबिलाइजेशन है, विंड नॉइस कैंसिलेशन है। अगर वो सब की बात करें तो वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। बाकी एक्सेसरीज में मेन मेरे को एक चीज ये अच्छी लगी कि आपको कैमरे को ऑपरेट करने के लिए कंपनी ने एक छोटा सा ये ऑब्जेक्ट दे दिया है जो कि आप ये बैंड के साथ हाथ में पहन के घड़ी की तरह यहाँ से आप इजीली फोटो वन क्लिक पे ले भी सकते हो और वीडियो को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हो। ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। बाकी इसके साथ दो बैटरी आती है 3.7 वॉट की, एक ऑलरेडी बैटरी इसके कैमरे के अंदर है, बाकी ये दूसरी है। और ये आप देख सकते हो कैमरे के साथ एक सी पिन का कंपनी माइक भी प्रोवाइड कर रही है जो कि काफी बढ़िया बात है। बस कंपनी एक चीज इसके साथ प्रोवाइड नहीं करती है जो कि आप देख सकते हो, मेमोरी कार्ड, वो हमें अलग से परचेज करना रहता है। ये आप देख सकते हो, मैंने सैंडिस्क का U3 एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड लिया है। ये U3 एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड लेने का रीजन एक यही है जो काफी अच्छे से परफॉर्मेंस करता है। बाकी सिंपल मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो, बट उसमें क्या है, इसके साथ अगर ये आप मेमोरी कार्ड यूज करोगे सिंपल वाला, तो उसमें आपकी वीडियो आगे चलेगी और ऑडियो पीछे, यानी वीडियो आपकी लैग होगी। वीडियो लैग ना हो, परफॉर्मेंस और क्लियरिटी अच्छी मिले, उसके लिए कंपनी खुद ये कह रहे कि आप सैंडिस्क का U3 एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड यूज करो, तो जिससे कि क्या आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिले। मैंने ये अलग से एक परचेस किया था खाली मेमोरी कार्ड। बाकी बॉक्स में ही आप देख सकते हो इसका कुछ ये इस तरीके का वारंटी कार्ड भी आता है, यूजर मैनुअल, ये सब चीजें आप देख सकते हो, इसकी पुस्तिका है। बाकी कैमरा ये आप देख सकते हो, कैमरा ऑन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 सेकंड तक दबा के रखना है, ये कैमरा ऑन हो चुका है। मेन चीज मुझे इसकी ये अच्छी लगी कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैमरा में क्या है, 4K 60 FPS। मैंने अभी देखा कैमरा, काफी मैं सरप्राइज हो गया था जब ये चीज देखी। बाकी आप सभी को पता होगा, आपने सब वीडियो अलग अलग कैसोन के देखे होंगे जिसके अंदर 4K 30 FPS तक ही है, बट ये कैमरा ऑलरेडी मैंने एक बार आने से पहले चेक करने के लिए मैंने ओपन कर ही लिया था, बट ये चीज भी मैंने देखी थी। ये देखने के बाद मैं काफी सरप्राइज हो गया था कि इसके अंदर 4K 30 FPS की जगह 4K 60 FPS तक का भी कंपनी ऑप्शन दे रही है। बाकी आप YouTube पे भी खुद सर्च करके देख सकते हो, जो जितने भी कैसोन के पहले कैमरा आता था उसके अंदर 4K 30 FPS तक का ही ऑप्शन था, बट अभी जो न्यू वेरिएंट आ रहा है, ये जो कैसोन का अभी जो भी परचेस करेगा उसको ये 4K 60 FPS वाला वेरिएंट मिलेगा जो कि काफी बढ़िया है। बाकी इसके टच की बात करते हैं, इसका टच भी काफी स्मूथ है, ये देख सकते हो आप, काफी इजीली वर्क करता है, काफी स्मूथ है। और आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा ब्लर जैसा, हाँ, बट इसके ऊपर क्या, ये एक प्लास्टिक चढ़ी हुई है इसलिए इसको आप यूज करने टाइम रिमूव भी कर सकते हो। बाकी टच काफी बढ़िया है। स्क्रीन, अगर इसमें मेन पार्ट की बात करें तो अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो ये आप यहाँ पे जो मोड बटन है उसको 3 सेकंड दबा के रखते हो तो इसकी फ्रंट स्क्रीन भी ओपन हो जाती है, ये आप देख सकते हो, ये भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है।
वापिस आपको रिवर्स में अगर स्क्रीन करने तो वापिस 3 सेकंड तक दबा के रखिए, ये रिवर्स में स्क्रीन इसकी ऑन हो जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है फ्रेम, और इसमें अभी स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन नहीं रखा है, स्टेबलाइजेशन ऑफ है और नॉइस कैंसिलेशन भी अभी इसका ऑफ है। नॉइस कैंसिलेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये देख सकते हो। मैं थोड़ा आपको दौड़ के बताता हूँ कि स्टेबलाइजेशन अभी ऑफ है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस है, बाद में आपको मैं स्टेबलाइजेशन अभी ऑन करके बताता हूँ। तो अभी आपने मेरा स्टेबलाइजेशन ऑफ वाला वीडियो देखा तो अभी आप देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन किया तो उसमें कितना फ़र्क है। अभी मैं दौड़ता हूँ, ये आप देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन ऑन में कितना फ़र्क पड़ता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो मैंने नॉइज कैंसिलेशन अभी ऑफ रखा है, ये आप पीछे देख सकते हो काफ़ी गाड़ी आ रही है उसका आपको नॉइज़ आ रहा होगा। ये अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है, अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ। अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया तो अभी आप आवाज़ देख सकते हो कि कैसी आ रही होगी, वही ट्रैफिक वाले रोड में अभी मैं खड़ा हूँ, जो पीछे गाड़ियाँ आ रही है अभी नॉइज़ का काफ़ी जो है कैंसिलेशन अच्छे से हो रहा है। अभी तक आप जो आवाज़ सुन रहे थे इसके इनबिल्ट माइक के साथ सुन रहे थे, अभी भी जो आप आवाज़ सुन रहे हो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दिया, इसका जो नेचुरल वॉइस है वो रखा है। कंपनीज के साथ कैसॉन का सी पिन वाला माइक प्रोवाइड करते, तो अभी आप अब आगे जो आवाज़ सुनेंगे इसके माइक के साथ सुनेंगे। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो इसका जो कंपनी माइक दे रही है कैसॉन का, उससे आप आवाज़ सुन रहे हो। ये मैंने फेस के पास रखा है तो आवाज कैसा आ रहा है। उसके बाद अगर मान लो आपको हाथ फ्री रख के बात करना हो या व्लॉगिंग करनी हो तो आप इसका जो माइक है रेगुलरली यहाँ पे जो कॉलर पे लगा के बात करते हैं। कॉलर पे अभी मैंने माइक लगा दिया है, तो कॉलर पे लगाने के बाद आवाज कैसा रहा वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही में कंपनी इसमें जो टाइम लैप्स का ऑप्शन दे रही है उसका भी वीडियो मैं आपको इसके आगे दे दूंगा, साथ ही में स्लो मोशन का भी ऑप्शन है वो भी हम इसके आगे वीडियो में देखेंगे।